हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बिहार पुलिस 8415 से रिलेटेड आप लोग का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि कब इसका मेरिट आएगा, कब इसका स्क्रूटनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग ने वेट कर लिया। लगभग आप लोग ने 2 महीना 17 दिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज आप लोग का 2 महीना और 17 दिन बीत गया, अभी तक मेरिट नहीं आया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैंने पूरी जानकारी ली है अपने दोस्त से जो हमारे CSVC ऑफिस में हमारे दोस्त जो है वो काम करते, तो उनसे मैंने संपर्क किया और फुल्ली डिटेल्स में उनसे बात किया कि क्या प्रोसेस है, कितना काम हुआ है, कब तक स्क्रूटनी चलेगा, वो एक एक चीज़ मैंने उनसे पूछा है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, एक एक चीज़ को मैं आप लोग का क्लियर करूँगा। तो बात की जाए 8415 की, सबसे पहले कि क्या जून में आएगी क्या, बहुत लोग बोल रहे थे मैंने आज मेरिट आने वाले थे, बहुत लोग रहे 25 तारीख को मेरिट आ जाएगी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जून में मेरिट आएगी, तो जून में तो मेरिट आने से रहे, जून में मेरिट नहीं आएगी क्योंकि अभी स्कूटनी ही चल रहा है, तो मेरिट कहाँ से आएगी। बात की जाए कि स्कूटनी का काम कहाँ तक कम्प्लीट हुआ, तो 2 राउंड कंप्लीट हो गया पूरा और तीसरा राउंड चालू है। तीसरा राउंड में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि यहाँ इसमें ही तो सारा बच्चे को बुलाना रहता है, सारा क्लियर करना रहता है, तो टोटल मतलब जो टाइम लगता है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड भी ज़्यादा नहीं चला था, 2 से 3 दिन सेकेंड राउंड चला था, वैसे ही थर्ड राउंड भी मान के चलिए कि आज से शुरू हुआ है थर्ड राउंड, और ट्यूजडे तक हमको बोला गया है, जहाँ से जानकारी लिया है, ट्यूजडे तक आप लोग का फुल्ली रूप से स्क्रूटनी ख़त्म हो जाएगा। मंगलवार को फुल्ली रूप से स्क्रूटनी ख़त्म हो जाएगा, बस अब क्या रह बच जाएगा, 27 तारीख को आप लोग का स्क्रूटनी का काम पूरा रूप से ख़त्म हो जाने वाला है। ये एक ऑफिशियल डाटा के मैंने वहाँ से, जब वो लोग ही काम करते हैं तो वो लोग जानते होंगे ना कि कब तक ख़त्म हो जाए, तो उन्हीं से मैंने पूछा, तो वो बोले कि ट्यूजडे तक आप लोग का स्क्रूटनी ख़त्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि 27 तारीख ट्यूजडे है, तो उस दिन आप लोग का पूरा स्क्रूटनी ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद उन लोग का काम बच जाएगा अलॉट, जिला अलॉट करना, सिर्फ जिला ही अलॉट करना रह जाएगा। तो इसमें मान के चलिए अगर पिछला बार देखें तो 4 से 5 दिन लगा था स्क्रूटनी ख़त्म होने के, 4 से 5 दिन बाद मेरिट दे दिया था, लेकिन अब मान लेते हैं इसमें 4-5 दिन ना मान के चले, मान लेते हैं 10 दिन भी माने, तो आप लोग को 10 जून से पहले मेरिट आ जाना चाहिए। अगर देरी ना करे तो CSVC अगर लापरवाही ना करे तो 10 जुलाई से पहले उनको मेरिट देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया है। और एक माइंड में उन लोग को ये भी चल रहा है कि जब तक आप लोग का 11880 वाले का फुल्ली रूप से कंप्लीट नहीं हो जा रहा तब तक मेरिट नहीं देंगे, उन लोग के माइंड में शायद ये भी चल रहा है, तो इसलिए शायद देरी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार का भी प्रेशर आ रहा है ऊपर से, 12000 तब तक उन लोग को बोला गया है, मतलब वैकेंसी भी आने वाली है 12000 की, तो उससे पहले जब तक मेरिट नहीं आएगी तो वैकेंसी भी नहीं आएगी। तो हमको लग रहा है कि 10 जून तक दे, 10 जुलाई तक दे देना चाहिए मेरिट, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि उन लोग को प्रेशर नहीं है, मेरिट देना बहुत मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो रोक के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 जुलाई तक आप लोग का मेरिट आ जाएगी, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 10-15 दिन और वेट कर लीजिए, आप लोग का मेरिट आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि अपडेट कुछ जानकारी ले लूँ, बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बना रहा था, कहीं चला गया था मैं, इसलिए तो मैंने सोचा कि अब अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दिया जाए आप लोग को, बहुत मतलब परेशान हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की और पूरा डिटेल्स में पूछा, तो ये थी अपडेट। कैसा लगा आप लोग को अपडेट? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। जो भी आप लोग के क्यूरीज हैं आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। और मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार खुद से भी जहाँ स्क्रूटनी चल रहा है एक बार जाकर देखूँ कि क्या वहाँ प्रोसेस चल रहा है, कुछ वहाँ से भी जानकारी लेकर आकर आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही, धन्यवाद।